पिछले साल 2022 विच गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नूं पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया सी, जिम्मेवारी दित्ती सी कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट नूं कंडक्ट करे और समय सिर क्लासेस शुरू कीतीआं जाण, लेकिन कुछ फैक्टर किसी भी यूनिवर्सिटी के वस विच नहीं रहिंदे, जिस कारण कि पंजाब विच बीएड दी एडमिशन दीआं क्लासां 1 अक्तूबर ते जा पहुंचीआं, जो नॉर्मली अगस्त विच शुरू होणीआं हुंदीआं हन। इस बार मैं पिछले वीडियो विच भी दस्या सी कि इस बार 1.5 महीना 2022 तो पहला ये क्लासेस शुरू हो सकदियां हन। नैचुरली इसका दूसरा मतलब यह है कि बीएड एडमिशन दी काउंसलिंग प्रोसीजर समय तो 1 या 1.5 महीना पहला खत्म करन दी कोशिश कीती जाएगी। उस विच एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, नॉर्मली सानू पता है कि जिहड़ा बीएड दा कोर्स है ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, BA BSc ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BCOM ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ 50% ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ NCT ਦੁਆਰਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, तो ये आस रखी जाती है जुलाई या अगस्त तक उदे रिजल्ट आते हैं। हाँ जी आ जाते हैं, कई यूनिवर्सिटियां दे हो सकते हैं, किसी कोर्स का हो सकता है इस तो लेट भी आ जाए, किसी कोर्स का हो सकता है इस तो पहला भी आ जाए, लेकिन हर कैंडीडेट का यह हक है कि लास्ट कैंडीडेट या लास्ट रिजल्ट तक उसनू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के प्रोसीजर विच शामिल होने का मौका मिले। सो इस हक नू कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। हुण अजिहा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस बार की कर सकती है कि 1.5 महीना पहला इस नू कर लिया जाए, उस लई ग्रैजुएशन दे तुहाडे जो सैम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए जो रिजल्ट है सैम 6 दा हुंदा है जिसकी वेट की जाती है, जिस कारण करके प्रोसीजर डिले हुंदा है और क्लासेस लेट शुरू हुंदियां हन। हुण ये है कि कैंडीडेट कोल पिछले 5 सेमेस्टर का रिजल्ट है, यूनिवर्सिटी इस बार की कर सकती है कि इन्हें पिछले 5 सेमेस्टर दे एग्रीगेट मिला के, फॉर एग्जाम्पल जेकर जनरल कैटागरी की एलिजिबिलिटी 50% है, BC ते SC कैटागरी की एलिजिबिलिटी 5% रिलैक्स करके जे 45% है, तो इन्हों दे एग्रीगेट करके जिन्हें कैंडीडेट दे नियर बाय जनरल कैटागरी दे इस दे कोल बनते हैं और SC BC दे इस दे कोल बनते हैं, वो बीएड एडमिशन प्रोसीजर विच शामिल हो सकते हैं। हर हालत विच जिम्मेवारी कैंडीडेट दी ही रहेगी, उदा ही रिस्क रहेगा जेकर इस तो राउंड कीते बिना इस तो अंक घट जाते हैं तो बीएड दी एडमिशन विच लई ओ एलिजिबल नहीं होएगा, ओ उदी ये जो होएगा प्रोविजनल जां आरजी तौर ते प्रोसीजर चलेगा। हुण जिहड़े कैंडीडेट फॉर एग्जाम्पल जिन्हां दे ये 5 सेमेस्टर विच्चों रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़िया होया, फॉर एग्जाम्पल ए जनरल कैटागरी का कोई बच्चा है उसके अंक जो 5 सेमेस्टर दे वो बनते हैं, इत्थे लिख लेने हैं मान लो हाँ उसके अंक बनते हैं 47% बनते हैं, जो कि औखा है कि 6th सेमेस्टर जो इन्ने लै जाएगा कि 50% बन जाए, कि इस तरह के कैंडीडेट नू अपीयर होने का मौका मिलेगा। आंसर है यस, मौका सबनों मिलेगा। कारण की है कि एक कैंडीडेट ने सैल्फ असैसमेंट करनी है कि उसने जिन्ने भी अंक हैं वो 6th सेम दे मिला के एलिजिबिलिटी नू पूरा कर सकेगा, जे वो पूरा कर सकेगा तो नैचुरली है कि बीएड दे प्रोसीजर विच जो चल रहा है उसकी सीट जे अकॉर्डिंग टू बाकी जो भी एलिजिबिलिटीज नू पूरा करता है। सो इत्थे कैंडीडेट की जिम्मेवारी होएगी, वो सैल्फ नू असैस करेगा, पर जेकर उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसने 6th सेम दे मार्क्स दे दिते हैं तो उस तो बाद उसनू अलॉट भी हो जाता है कॉलेज जहाँ उसके नेड़े, नॉर्मली उस तो पहला रिजल्ट आ जाते हैं जा उन्नी यूनिवर्सिटी वेट कर लेगी। जेकर अलॉट हो जाता है तो उसके मार्क्स एलिजिबल मिनिमम जिन्हें नहीं बनते तो उसनू सीट छड़नी पेगी, नैचुरली ये केस बहुत घट होंगे। सो प्रोबेबली ये सब कुछ प्लैंड है, कोशिश है कि इस तरह नाल इस बार एडवांस विच पहले नालों
पिछले साल नालों जल्दी एडमिशन प्रोसीजर नू पूरा करन दी कोशिश कीती जाएगी। जिहड़े कैंडीडेट तैयारी करना चाहते हैं वो लर्न टू एक्चुलाइज दी प्लेलिस्ट विच जाके नीचे बीएड एंट्रेंस मॉक टेस्ट बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर ये खुल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर इना तो तुहानू स्टार्ट कर देना चाहिए है। कारण की है कि तुहानू जजमेंट हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होंगे जो क्वेश्चन एरिया दस देंगे इंडीकेशन कर देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस तरह के पूछे जाते हैं जा पिछलियाँ कमियां जा पिछले पेपर को देखते हुए उसका एनालिसिस करके जो नगे अगली रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक मैं नैक्सट वीडियो जरूर पब्लिश कर दाँगा। सो तुहानू तैयारी इस तो शुरू कर देनी चाहिए है हर हालत में। इस तो वध तैयारी करना हुण ही चाहते हो तो तुसी पंजाबी हिंदी वगैरह दियां स्कूल दियां किताबां पढ़निया शुरू कर सकते हो। एक वीडियो पूरा पब्लिश कर दिना हाँ कि तैयारी किवें करनी है देख सकते हो। रिलेटेड वीडियो दे लिंक नीचे दिते गए वो देख सकते हो। किसी तरह का डाउट होवे वो हर हालत पुछो क्योंकि एक डाउट का सुजैशन तुहाडा साल ते फीस नूं बचा सकता है। जिन्हें भी तुहाडे इंपॉर्टेंट डाउट कमेंट बॉक्स पे ने उन्होंने अलग तो वीडियो जारी होएगा उस विच अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुसी उन्हां च देख सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुलाइज।